good morning pack. आज हम एक और एक example के साथ आते हैं. देखते हैं कि कंपनियां जब asset purchase करती हैं तो उसके लिए क्या-क्या entry होती है और किस हिसाब से करते हैं. यानी CISO किसको करते हैं हम लोग? Vendor को. तो इसके लिए एक example लेते हैं. Example क्या है? S Limited purchase furniture of rupees 10 lakh from Y Limited. यानी X Limited ने purchase किया है furniture किससे? Y Limited से. And paid 20% of the amount by accepting a bill of exchange in favor of Y Limited. यानी कंपनी ने जब purchase किया हुआ है कितने का furniture purchase किया था 10 lakh का और उसने क्या दिया हुआ है 20% amount accept किया हुआ है किससे? Bills payable से. ओके और किसके फेवर में किया हुआ चेंज? फेवर में ऑफ वाई लिमिटेड. द रिमेनिंग अमाउंट वाज पेड बाय इशू इक्विटी शेयर ऑफ पीस 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 25% टू वाई लिमिटेड. यानी उसके लिए कंपनी क्या करी, जो रिमेनिंग अमाउंट के लिए कंपनी जो पेड कर रही है वो क्या कर रही है? 25% प्रीमियम पे शेयर इशू कर रही है. So that your working note clear the passes a journal entry for the above transaction in the books of X Limited. Yani X Limited ke haan pe jo journal entry karna hai wo kiske yahan pe karni hogi humko? X Limited mein. Yani X Limited kya purchase kar raha hai? Furniture purchase kar raha hai. Kisse purchase kar raha hai? Y Limited se. Theek hai, jab Y Limited se purchase ho rahi hai tab condition mein Y Limited mein kya entry hogi? Y Limited se to purchase hua to X Limited ke aapne yahan pe kya entry karegi? To first entry X Limited ke yahan pe kya ho jayegi? ऐसे उन्होंने परचेस क्या किया हुआ है? फर्नीचर. तो फर्नीचर अकाउंट डेबिट फर्नीचर अकाउंट डेबिट. यानी फर्नीचर परचेस कर रहा है, किससे परचेस किया हुआ है इसने? फर्नीचर किससे परचेस कर रहा है? वाई लिमिटेड से. तो टू वाई लिमिटेड. ओके अब देखिए यहां पे जब वाई लिमिटेड से परचेस किया फर्नीचर की प्राइस कितने की थी? 10 लाख रुपीस की. तो फर्नीचर कितने का हो गया यहां पे? 10 लाख रुपीस अमाउंट 10 लाख. तो नेशन क्या हो गया? बीइंग द फर्नीचर परचेस फ्रॉम वाई लिमिटेड, बीइंग द फर्नीचर purchase किससे purchase किया? From Y Limited. ये तो company ने जब purchase किया था furniture तब, अब company क्या कर रही है? X Limited क्या कर रही है कि Y Limited को उसके against में उसने accept क्या किया था? Bill of exchange. जब bill of exchange accept की हुई है तब की condition में X Limited ने accept किया है और किसको दिया हुआ है bill? Y को. तो इसका मतलब क्या हो गया? Y debit Y Limited debit to क्या दे रहा है? Bills payable. तो to bills payable. Okay, bills payable दिया गया कितने एक amount का? Bills payable account amount कितने का है? अब देखिए यहाँ पे working note करते हैं. 10 lakh का इधर से कर 10 lakh का कितना परसेंट दे दिए? 20% ऑफ 10 लाख. तो यानी कितना अमाउंट पेमेंट किया उसने? 2 लाख का बिल्स पेबल दिया. ओके ये तो था 2 लाख के अमाउंट दे दिए. यहां पे अमाउंट कितना आ गया? 2 लाख रुपीस. अब नेशन क्या होगा? बीइंग 20% अमाउंट पेड, बीइंग 20% अमाउंट पेड, 20% अमाउंट पेड कर रही है किससे? के थ्रू कर रही है बाय बिल्स पेबल. बिल्स पेबल ठीक. यहां तक की क्वेश्चन में क्या था कि कंपनी ने फर्नीचर परचेस किया कितने से? 10 था लाख का फर्नीचर परचेस किया. किससे परचेस किया था? वाई लिमिटेड से. और वाई लिमिटेड के अगेंस्ट उसने क्या दिया था? बिल्स पेबल दिया. और कितने का दिया था उसने? 2 लाख का. और 2 लाख कैसे निकाला? 10 लाख का 20%. अब कंपनी कर रही है कि रिमेनिंग अमाउंट के लिए कंपनी क्या कर रही है? शेयर इशू कर रही है. वो भी किस पे कर रही है? वो प्रीमियम पे. तो अब इसके बाद जो नेक्स्ट एंट्री आएगी वो क्या आएगी कि कंपनी ने परचेस किया हुआ है 10 लाख का और उसके अगेंस्ट में वाई लिमिटेड क्या दे रही है? शेयर दे रही है. वो भी किसमें? प्रीमियम पे.
अब देखिए तो वाइल्ड तो एसिमेट्रिक यहां पे जनरेट क्या लगेगा, वाइल्ड लिमिटेड डेबिट किसको दे रही है, वाइल्ड लिमिटेड डेबिट क्या दे रही है, शेयर दे रही है, तो इक्विटी शेयर कैपिटल टू इक्विटी शेयर कैपिटल अकाउंट ओके। अब और क्या दे रही है और किस पे दे रही है, प्रीमियम पे हो रहा है, तो नेक्स्ट क्या हो जाएगा टू सिक्योरिटी प्रीमियम रिजर्व अकाउंट ठीक। अब देखिए कंपनी के ने अब इसके लिए क्या हो गया, परचेस कंसीडरेशन निकालना होगा, यानी कंपनी कितना सेल इशू कर रही है, तो उसके लिए क्या करते हैं परचेस कंसीडरेशन अपॉन इशू प्राइस, परचेस कंसीडरेशन में कौन सी अमाउंट आएगी। अब देखिए यहां पे कंपनी के पास 10 लाख का था, 10 लाख में से कंपनी ने पेमेंट कितना कर दिया, कंपनी ने पेमेंट कर दिया 2 लाख रुपीस। अब कंपनी को पेमेंट कितना करना है वाई लिमिटेड को, 8 लाख रुपीस 8 लाख। अब कंपनी कह रही कि एक शेयर की जो प्राइस है वो कितने की प्राइस है, 100 रुपीस की, और उससे प्रीमियम कितना है 25%। तो यहां पे ये आगे परचेस कंसीडरेशन में कितनी अमाउंट आ गई आपकी, 8 लाख रुपीस, और शेयर की प्राइस कितने का बता रही है 125 कैसे, 100 रुपीस का ये था प्लस 25% प्रीमियम, तो कितना आ गया 125, ये क्या हो गया इशू प्राइस हो गए। अब देखिए इसे डिवाइड किया तो नंबर ऑफ शेयर कितने आ जाएगी कंपनी का, डिवाइड करने के बाद जो नंबर ऑफ शेयर आ रही है कितना आ रही है 6400 शेयर्स ओके। अब देखिए 6400 शेयर्स है तो इसमें 8 लाख रुपीस कहां पे जाएगा, वाई लिमिटेड में, तो लिखा 8 लाख रुपीस वाई लिमिटेड में 8 लाख। इक्विटी शेयर में कितना आएगा, कंपनी कितना कर रही है 6400 और एक शेयर की प्राइस कितने का है 100 का है, तो 6,40,000 प्रीमियम कितने की है 25% की है, तो 6,40,000 इनटू 25 ओके। अब कितना आ गया यहां पे 1,60,000। अब रिलेशन क्या हो जाएगा इसके लिए, बीइंग 6,400 शेयर्स हुआ किसको करें इशू टू वाई लिमिटेड। अब वाई लिमिटेड को तो इशू किया किस पे किया, एट ए प्रीमियम पे की हुई है, ऑफ कितने परसेंट पे है, ऑफ 25%। इस टाइप से कंपनी ने शेयर इशू किया, तो इसके लिए तो मेन जो चीज है ये परचेस कंसीडरेशन अपॉन जो इशू प्राइस का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि तो इसी के बेसिस पे क्या निकलता है हमारी पूरी शेयर की अमाउंट निकलती है कि कितना कंपनी शेयर इशू कर रही है ठीक। अब इसके बाद और एग्जांपल लेके आएंगे कि कैसे कंपनी जब एसेट परचेस करती है या बिजनेस परचेस कर रही है तो कहां पे उसके गुडविल का यूज होता है, कहां पे कैपिटल रिजर्व का। अगर आपको ये अच्छा लगा हो तो आप सब्सक्राइब कीजिए, अगर कोई प्रॉब्लम हो तो कमेंट में उसको सेंड कर सकते हैं ओके। थैंक यू।